हेलो भाई अरुण पवार, आपका हार्दिक स्वागत है। चाबी कहाँ है शेरा? इतने दिनों बाद, लॉन्ग टाइम नो सी। भाई कुछ माल पानी आया, दिखाता हूँ। कहाँ चाबी? वीडियो बंद कर ले पहले। हम दोनों भाई उस माल को मतलब उधर रख के, और हम दोनों चल दिए हैं ऑन आवर राइडर प्रोवाइडर, क्योंकि हम तो चाबी नहीं है भाई, चाबी एक्सेसिबल नहीं है। अब हम लोग ऑन द वे है कहीं और। अजीत भाई हमको मिल चुके हैं। अजीत भाई कैसे हो? अजीत भाई साहब को मिलवाता हूँ, बहुत दिन हो गए अजीत भाई से मिले। अजीत भाई कैसे हो, सुनाओ। कहीं अबे इकलो घूम आया है ना भाई? अब ले चलूं कहां? आप बीमार है? आप तो अभी ना चली हो, कहां तक आओ? आप बीमार है? कब तक कहां? जब हम होटल के बाद अगले दिन निकल गए, और आप बाद दिन बीमार है। वो होटल गए सिर्फ बाद दिन बुखार। आप वैसे बुखार अब है जाता, दिक्कत है जाती है ज्यादा। चलो नेक्स्ट टाइम ठीक है, चलो। ओके स्कूटी पे लगवा चक्कर तो एक। ओके देखो भाई, हमारे गेहूं नहीं लोटे यार, बारिश आई। आकाश भाई इधर काफी ज्यादा, मैं तो हरिद्वार गया था, है वहाँ कुछ भी ना हो, पीले हो गए। अब कटेंगे, चाबी ले लेते हैं मॉम डैड से। अवेयर इसकी मैटर तो अब हमारी हालत देख लो, अभी तक तो सही सलामत है, आगे का भाइयों का पता नहीं। देखो चारों सेफ है, ये चारों सेफ है, और बाकी अभी शेरा। अच्छा अच्छा ठीक है। ओ बस आकाश बचा ले शेरा। ओए भाई भाई शांत रहना, बिल्कुल भाई, कभी शांत कुछ ना कहेगो, कभी शांत रहो। तेरी कसम आकाश, मरवाएगा सही तू। कर कुछ कर, ऐसे तो आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा आकाश। रुक डंडा लेकर चल बाहर जा, चल भाई अंदर घुस जा। तो गेट तो खोल, अंदर घुसा। भाई 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 आकाश कह रहा हूँ ना मैं तो, शेरा आ जा, शेरा आओ, तुम बाहर आ जाओ, बाहर उतरो भाई, तुम बाहर आ जाओ, आ जाओ सबरे, बाहर आ जाओ। आकाश होटल लइए इकल्ला। कहाँ गयो तुम? बाहर आ जाओ ना, ना कहेगा अब, ना कहेगा अब, कह नहीं होती तब तक कहते। तो कैसे है गए भीतर माल फाल पर होगा, ये कुतिया की महक आ रही कहेगी। भाई उतर जाओ ना तुम, अच्छा कुतिया की महक आ रही है कहेगी। ये यू भरे बैठी है, जवानी चढ़ रही है घनी। भाई देख रहे हो, कोई ब्रीड पाल लेना दुनिया में, पिटबुल मत पालना। देख टम्पू ही चलाए कत ही की कहा चाह रहा है। अम्बे यार भाई, इतनी डेंजरस भीड़ ना देखी, वो देख ना कहाँ भगा दिए इसने, वो भाई जो लगाने वाले हैं देखना, जैसे सब घुसवाए। और भाई क्या बता मैं यार, अंदर बैठ रहो मैं, अंदर ड्राइवर बन रहो, घनो बड़ो रखवा तू एक अल्ला सामान, कहीं खागो ना तो यार जुम्मे पड़ेगा। तीन तीन इंजेक्शन लगवाओ। देख अब देखियो ये, अभी हम चढ़ेगा भीतर। चल ना कह रहा कुछ भी, थोड़ा सा ही लाड़ प्यार करे बस। अरे मैं भीतर घुस रहा हूँ बार बार। अरे तू यहाँ आ जा डंडा लेके। भाई ये देख टम्पू आ रहे हैं, यहाँ पे डर लग रहा है। ऐ शेरा आ जा बाबू, आ जा। यार तो भीतर बैठना है हमें। पीवीसी पैनल मंगवाए हमने, कुछ ना कह रहा हूँ। देखो ये फार्म पे घर का मेरे को बहुत तगड़ा लगा, वहाँ पे लग चुका है दोनों दीवारों पे, तो मैंने आपको बताया था ना। तो भैया यार देखो यार कितना लोगों को वो, देखो भाई की हालत ख़राब है इनकी, बिल्कुल स्टैचू बनी खड़े देखना कभी। ये लाड़ कर रहा है और कुछ ना। अरे डरो मत, यू बस प्यार कर रहा हूँ तुमसे।
तुम तो प्यार कर। तो ये देखो इस तरीके से पैनल लगेंगे दीवार पे गोल्डन। ये तो शायद वापसी जाएंगे, ये तो गोल्डन वाले, तो ये थोड़े एक्स्ट्रा आ गए थे भाई, दीवार कंप्लीट हो गई है। और ये वाले यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ क्यों इनको लगवाता है आदमी। क्योंकि भाई जो ये होती है ना, क्या बोलते हैं ये सीलन, इसकी वजह से देखना कितना गंदा हो जाता है बाहर। तो वैसे ही नहीं लगवाएंगे इनका, कोई बाहर के लिए तो कोई इलाज करना पड़ेगा, लेकिन इनडोर के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है। जैसे यहाँ पे भी हॉल में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो जो सीलन आ रही है ना पपड़ी, वो आ रही अंदर रूम में। तो पूरा सामान यहाँ पे आ गया, थोड़ा महंगा बैठता है सब, पर परमानेंट सॉल्यूशन है। एक तो भाई इस दीवार पे देखो आप, एक तो ये देखो, सबसे मेन तो ये है दीवार, और दूसरी ये दीवार भी ठीक है, इतना प्यारा पूरा सेटअप पे। ये बहुत गंदी लगती है यार, इसलिए इस पर करवाना थोड़ा सा जरूरी हो गया था, कि रोज आए दिन झड़ती रहती, गंदगी बढ़ती है, तो इस पर परमानेंट हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल वाइट है ये, केवल पुट्टी हो रखी है, और इस पर जब ये लग जाएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कलर कॉम्बिनेशन हमने क्या बैठवाया है, कितना मस्त लगेगा। अभी ये दीवार तो चल जाएगी, एक दो साल पकड़ जाएगी। इस पर डिज़ाइन बहुत प्यारा है, ये 26,000 रुपये का हुआ था, तो इसलिए इसको तो रहने देते हैं, लेकिन इन दो को करवा लेते, और तो सारी ओके है। धीरे धीरे करवाते रहेंगे, क्योंकि इनका महंगा सौदा बैठता है यार, ये वाला तो 40,000 की तो दो दीवार वो हुई है घर की, बताओ यार। इसलिए धीरे 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 कमा कमा के लिटिल लिटिल का करते रहेंगे जुगाड़ पानी। ओके जी, टम्पू में जाएगा कतई, ये टम्पू में कोई कुतिया बैठी है रात के, पक्की बात है भाई की मैं ये जा रहा हूँ। चल आ जा, चला जी। हमको उसका टीवी पैनल और बनवाना है अपने उसका, तो उसके लिए बुकलेट में विद आकाश पवार हम ये आगे, ये बहुत अच्छा लगेगा तेरे रूम के उसके लिए, टीवी पैनल के लिए। सच में भाई बहुत प्यार, वो वाली चॉइसेस मत बताओ। चलो भाई एक बार फाइनल कर लेते हैं, हाई ग्लोस में चाहिए, ये तो वैसे है टफन ग्लास वगैरह, कलर डिजाइन देख रहे हैं हम। ना उसको निकाल हाई ग्लोस को। चलो भाई हमने दे दिया भाई को, फर्नीचर वाले को अपने ठेका, ये अब हमको 2 से 3 दिन बाद बना के दे देंगे, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। क्यों आकाश पवार एक्स भाई, इतने दिन बाहर का खा के आया, आज खाऊंगा माँ के हाथ का खाना। माई डियर मोम, देखो 9:30 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मिले गरम गरम चूल्हे पे रोटी बना रही हैं, इतनी मेहनती मोम मिलेंगी कहीं, बताओ आप बताओ भाई। भाई कोई ढाबा जोमेटो पे ना मिलेगी माँ के हाथ को खाना, मिल जाएगी माँ ही मिल जाएगी। माँ तो कहीं ना मिले दोबारा। तो भैया ऐसी बात है, कोई है ना लियो, नहीं मम्मी अपने आप घी जो लगाती है बेस्ट है भाई। कोई हल्दीराम बीकानेर वाला, मतलब कोई भी कितने ही बड़ा रेस्टोरेंट हो 5 स्टार, और जो इसमें मजा आया ना, इसमें स्वाद है देखो, कड़ी वो कहीं नहीं है भाई। अब जैसे हम उत्तराखंड गए, इतना फीको खाना बना मम्मी, ना नमक मिर्च मसाला कुछ डाल ही ना है, जान ही ना है। ओके थैंक यू, लाइक कर, लव यू। चलो अब ले चलता हूँ आपको एक दो दिन में।